नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। यहाँ पे आने वाले लाखों लोगों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि इनका क्या कहना है, क्यों आज भी ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार मैम, आपका शुभ नेम मोना। कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ? बचपन से आ रहे हैं, मम्मी पापा और जैसे मानते थे, लेकिन नाम मैंने 10 साल हो गए। तो आप बचपन से आ रहे हो, कभी आपने ऐसा कुछ देखा जो मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है? नहीं नहीं, सब गलत है, एकदम ही गलत है, एक एक बात गलत बोल रहे हैं। आज भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव है? क्या बदलाव है मतलब, जो जैसे झगड़ा वगैरह कुछ भी था, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। पिताजी के जो वचनों पर चलते हैं और जो मानवता के कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, मन को शांति मिलती है कि हाँ अपने कुछ करते हैं जिंदगी में, वो अच्छी शिक्षा देते हैं। आप सेफ हो यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग सोते हैं, कभी अपने वो अटैच हो जाते हैं, ऐसे नहीं फील होता कि अपने और किसी के साथ हो गए। बहुत सेफ है, ऐसी जगह कहीं पर मिलेगी नहीं। और यही हमारे संत जी ने समाज के लिए क्या किया? साथ ही हमें संत जी के समाज के लिए क्या किया है? क्या बहुत कुछ किया है, जो करने वाला नहीं वो कुछ किया। सोशल मीडिया पर जागरूक करना, मानव की भलाई के कौन कौन से कार्य चलाए, उन्होंने तो 142 कार्य चलाए। पेड़ पौधे लगाओ, जानवरों की सेवा करो, मरीजों की सेवा करो, जिनको जिनके पास राशन नहीं उनको खाना दो, राशन दो महीने का। उन्होंने तो क्या नहीं चलाया, क्या बताएं क्या ना बताएं, बहुत चलाया। बस हम तो यही चाहते हैं हमारे पिताजी जल्दी हमारे पास परमानेंट आए। जरूरत है आज समाज को, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो उनके ऊपर लगे हुए हैं वो सारे हटाएं और उनको जल्दी से जल्दी लेकर। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट जो जनता से हम आपको डायरेक्टली कंटिन्यू दिखाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके साथ कभी गलत नहीं हुआ है, बचपन से जुड़े हुए हैं ये, आज भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक तरफ ये लोग जो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हम आपको सच के सच से रूबरू करा रहे हैं, एक तरफ इन लोगों का कहना है कि इनके साथ कभी गलत नहीं हुआ, और एक तरफ मीडिया की आवाज़। देखते रहिए आपका क्या कहना है, सब आपका क्या कहना है डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा के बारे में, जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए द फैक्ट टाइम।